ये हमारे पास भी थोड़ी सी खबर आ जाती है किसी इधर उधर से घूम घाम के। इलेक्शन जो है वो अगले साल ही होंगे, वो इस साल अगस्त में हो ही नहीं आप कह रहे सकते। हैं कि इस साल अगस्त में नहीं हो सकते, मगर नहीं, कहने हुकूमत कहा जा रहा है कि तैयार अक्टूबर तक नहीं शायद है, इलेक्शन हो जाए। देखिए हुकूमत तैयार नहीं। जी उसकी रीजन भी मैंने आपको बता दी। एक दूसरी रीजन ये है कि नवाज शरीफ ने भी अभी वापस आना है, और नवाज शरीफ जब वापस आएंगे उनका भी एक ऑरा है, एक पर्सनालिटी का, वो भी आके अपनी पार्टी को और ज्यादा मुतहरिक करेंगे। और ये लोग चाह रहे हैं कि पीपुल्स पार्टी भी जितनी इस वक्त सीटें ले जा सकती है वो उतनी सीटें ना ले जा सके। तो ये आपस की इनकी इंटरनल इंटरनल जो डिप्लोमेसी है वो भी चल रही है, और उसकी बिना पे इलेक्शन आपके नहीं होने। ये ठीक है कि आप जो है वो मैशियत के हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने IMF ने इस ये एक वर्डिक्ट है, ठीक है, वो होना चाहिए, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा लेकिन जो दूसरी चीजें हैं ना वो उससे ज्यादा उसको ओवरलैप करती हैं, और बात उनकी सुनिए ना मेरी, आप सुनिए, आपने कहा जी कि हलका बन गया, तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया कि मौजूदा हालात में इलेक्शन कमीशन नहीं हलका बन गया नहीं कर सकता, और ये जो इलेक्शन होंगे आने वाले ये पुरानी हलका बनने पर ही होंगे। इसमें भी क्लियर उनका नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आपको इधर उधर से खबर मिलती है तो भाई हमारा पूरे दिन काम ही होता है कि हम खबरों को ढूंढ रहे होते हैं। तो उनका उनकी क्लियर क्लियर नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि ये जो मौजूदा इलेक्शन होंगे वो नहीं, पुराने हो हलकों सकता पर है नहीं आपकी होगा। आप आपकी आपकी ज्यादा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, मैं तो बिल्कुल अच्छा, चाहता हूँ। और दूसरी चीज ये कि ये जो MQM का जो ये पहला कतरा है दूसरा कतरा करके पाकिस्तान में गिर रहा है, सिंध के अंदर गिर रहा है, ये जी इसको जरदारी साहब को एक बहुत बड़ा मूव करके देख लें कि वो अल्ताफ हुसैन को वापस लाने में कौन सा किरदार अदा कर रहे हैं, और कराची की 24 सीटों को किस तरीके से वो अपने करीब देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उनको बैकअप दिया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा खेल है, और इसको थोड़ा सा समझे और समझने की कोशिश करें कि वो 14 सीटें नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि पूरी पूरी 22-23 सीटें MQM के साथ अपने साथ शरीक कर लें, जो उनका ज्वाइंट पार्टनर के तौर पे सामने आ सकते हैं। जी, यही पॉलिटिक्स है। और दूसरा समीना, आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि बुशरा बीबी जो है वो शायद उनके तबाही में शामिल है। मैं आपको ये बताऊं कि वो बिल्कुल शामिल नहीं है। एक उनकी वो रोजा मोहतरमा है, उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वो नैब में पेश हो रही है, वो उनका अगर कसूर है तो उनको जो भी उनका ड्यू यानी कि बॉन्ड आप कह है रहे हैं कि उनकी बेगम का हाथ जस्टिस। नहीं है, जबकि खुल्ला मुल्ला कहा जा रहा है कि उनकी बेगम का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी बेगम ही अपने ऑर्डर देती थी, उनके ऑर्डर माने जाते थे वहां पे, और उनके मैं ऑर्डर किसी पे ही काम देखिए होता था, बड़े बड़े बकरे जलाए जाते थे। अब किस वजह से क्या वो इमरान खान की वो आवाज, खान साहब की आवाज बंद होती थी, वो बोल भी नहीं पाते थे, वो कुछ कहना भी चाहते थे तो उनकी बेगम के फैसलों ये पे ही सब तो बेकार की लाअमल बात किया है, जाता था। तो अफवाहें ये हैं, इसमें कहा, ये अफवाहें हैं क्या वो हकीकत है? कहने वाली जाफरी जैनी साहब आप मालूम नहीं बताएंगे होती, वो हकीकत सब है या सारी जाफ